हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टाइटेनिक तुषार पर और मेरा नाम है तुषार शर्मा और आज एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए निविया डेटमैट 3.0 का फुल फ्लैज रिव्यू। हां जी, तो हम टाइम वेस्ट करे बिना इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आप टाइम वेस्ट करे बिना जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटेनिक रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अपर पार्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको पॉलीयुरेथेन सिंथेटिक अपर यहाँ पे आपको दिया गया। हमने पहले भी बात की है वीडियोस में कि अलग अलग तरह के अपर्स होते हैं, जिसमें कि सिंथेटिक लेदर ज्यादा बेटर आजकल के टाइम में माना जाता है। मॉडर्न टाइम्स में ज्यादातर जो कंपनियां वो प्रेफर करती हैं अपने फुटबॉल शूज में कि वो सिंथेटिक लेदर का अपर यहाँ पे दें, क्योंकि जो नेचुरल लेदर है, हमने पहले भी बात की, वो जो वेट कंडीशन में बहुत ज्यादा बल्की हो जाता है। साथ ही साथ जैसे कि ये अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज की कर ली जाती हैं इनके ऊपर, जिससे कि बॉल कंट्रोल बढ़े, अलग अलग चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ आप सिंथेटिक लेदर के साथ ही कर सकते हो। ये नेचुरल लेदर में नहीं हो सकती, नेटेड में नहीं हो सकती। नेटेड एक अलग बेयरफुट लाइक एक्सपीरियंस जरूर देता है, वो जरूर इसमें आपको नहीं मिल पाएगा। जो हमारा लेदर वाला जो नेचुरल लेदर होता है वो एक जबरदस्त एक्सेप्शनल कंफर्ट आपको जरूर देता है, वो भी इसमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, ये एक तरीके का हाइब्रिड आपको अपर कह सकते हैं कि सबकी मैरिज जोड़ के अगर कहें तो थोड़ा थोड़ा सब चीजों का ये एक मिक्सचर होता है सिंथेटिक लेदर अपर। और इसी वजह से आजकल सबसे ज्यादा आपको अगर देखने को मिलेगा तो यही मिलेगा। हर फुटबॉल बूट में अगर आप देखें तो यहां पे आपको ज्यादातर सिंथेटिक लेदर का ही अपर मिलने वाला है। इसके अपने अलग फायदे हैं, ये इतना एक तो सस्ता होता है, बिकॉज जो नेचुरल लेदर होता है वो बहुत महंगा आपको होता है। साथ ही साथ वाटर रेसिस्टेंट होता है ये। इसमें अलग अलग ऊपर टेक्नोलॉजीज यूज हो सकती हैं, जिससे कि आपकी बॉल कंट्रोलिंग बढ़े रिसीविंग एरिया पे। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, ये जितना भी ये किकिंग एरिया है, इतना किकिंग एरिया है, उसके सिवा वो पूरा यहाँ आगे का जो हिस्सा है इसका, वो पूरा जो अपर का ये आगे का हिस्सा है उस पर यहाँ पे 3D एम्बोसिंग की गई है। 3D एम्बोसिंग की गई है बॉल कंट्रोल बढ़ाने के लिए आपके, चाहे वो किकिंग का एरिया हो या बॉल रिसीव करने का एरिया हो, यहाँ पे आपको 3D एम्बोसिंग दी गई है। और पास से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपको मदद करेगी एक अच्छे आपके बॉल कंट्रोल में, आपको अच्छे किक में पूरी तरीके से आपको मदद करेगी। तो ये अपर का, सिंथेटिक लेदर अपर का ये एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है हर एक कंपनी को और जो आप खरीदने वाले हो आप सबको भी। तो ये इसका एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। और अगर बात करें कि कितना फ्लेक्सिबल है, कितना रिजिड है इसका जो आगे का हिस्सा है, तो अगर हम दबा के इसको देखें तो उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल तो मुझे दिखाई पड़ नहीं रहा। ये देखिए, थोड़ा सा रिजिड टाइप ये बूट है आपके लिए, तो बेयरफुट लाइक एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा, वो तो बिल्कुल नेटेड अपर में ही आपको मिलता है। उसका प्राइस भी बहुत हाई होता है नेटेड अपर्स का, हमने देखा था निवेश अस्त्रा का क्या प्राइस था। ये नेटेड अपर नहीं है, सिंथेटिक लेदर अपर है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये रिजिड मिलेगा। ये आपको एक तो रिजिड से भी अपनी एडवांटेजेस हैं, सबके अपने अपने प्रेफरेंस हैं। किसी को रिजिड अपर अच्छा लगता है, किसी को एकदम बेयरफुट लाइक एक्सपीरियंस जो दे एकदम सॉफ्ट सा नेटेड अपर अच्छा लगता है, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं। तो ये इसकी भी एक अपनी अपनी एडवांटेजेस होती हैं। ये आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इनकी अपनी एडवांटेजेस होती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑफ सेंटर लेसिंग सिस्टम यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया, तो बिल्कुल वाइड फुटर्स के लिए ये शू बना है। और साथ ही साथ एक और चीज की मैं बात करना चाहूंगा, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें यहाँ पे दिया गया है कि वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। तो वो पढ़ के अगर आप ये सोचेंगे कि सिंथेटिक लेदर और वाटर रेजिस्टेंट नहीं है तो फिर फायदा क्या है इसे लेने का, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर रेजिस्टेंट है, इसके अंदर बिल्कुल पानी का कोई आर पार नहीं होने वाला है, वाटर रेजिस्टेंट है। यहाँ पे निविया से थोड़ी गलती हुई है डिस्क्रिप्शन में लिखने में कि ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट अपर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया। तो जबरदस्त अपर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया निविया डिटमैट 3.0 में। अगली बात कर लेते हैं इसके आउटसोल के बारे में। तो यहाँ पे आपको TPU आउटसोल प्रोवाइड किया गया है, जहां पे हमको देखने को मिल रहे हैं इस आउटसोल में 11 ब्लेडेड स्टड्स। ठीक है, यहाँ पे 11 ब्लेडेड स्टड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं इस आउटसोल में, जो कि इस शू को एक एग्रेसिव शू बना देता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब भी ब्लेडेड स्टड्स का पैटर्न अगर आपको मिले और पूरा ही ब्लेडेड स्टड पैटर्न है, यानी हाइब्रिड, जैसे कि हमने शस्त्रा में देखा था हाइब्रिड शू पैटर्न था, एक तरफ कॉनिकल था और एक तरफ आपके ब्लेडेड स्टड्स थे, लेकिन यहाँ पे 11 के 11 जो स्टड्स हैं वो सारे ही ब्लेडेड हैं, तो वो इशू को एकदम एग्रेसिव शू जो कि आपको मदद करेगा स्पीड में, एक्सेलरेशन में, क्विक मूवमेंट्स में और जबरदस्त ट्रैक्शन देगा ग्राउंड के साथ। तो अगर आपको पसंद है स्पीड, अगर आपको पसंद है एक्सेलरेशन, अगर आपको ट्रैक्शन चाहिए ग्राउंड के साथ, तो ये बूट आपके लिए बेस्ट बूट होगा, बिकॉज इसका जो स्टड पैटर्न है वो फुल्ली और फुल्ली ब्लेडेड स्टड पैटर्न यहां पे आपको प्रोवाइड किया गया। 11 के 11 स्टड्स, ब्लेडेड स्टड्स यहां पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि शू को जबरदस्त बना देती है। जिनको स्पीड पसंद है उनको, जिनको स्टेबिलिटी पसंद है, अभी हम रिव्यू करके आए निविया कार्बोनाइट 6.0 का, वहां पे आप जाके देख सकते हो कि स्टेबिलिटी वाला शू कैसा होता है। लेकिन अगर आप स्पीड पसंद करते हो, अगर आप एक्सेलरेशन पसंद करते हो, अगर आप तेजी अपने गेम में चाहते हो, तो बिल्कुल ये शू पैटर्न, ये स्टड पैटर्न आपके
तेजी के लिए ही बना है। अगली बात कर लेते हैं इसके हील काउंटर और इसके कोलर कट के बारे में। तो यहाँ पे आपको लोअर कोलर कट ही प्रोवाइड किया गया है। अगर हम बात करें इसकी हील काउंटर की, तो हील काउंटर यहाँ पे आपको मोल्डेड हील काउंटर यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया। आजकल जितने भी ज्यादातर हम देख रहे हैं निविया के फुटबॉल बूट, सब में मोल्डेड हील काउंटर आपको प्रोवाइड किया गया, जो कि जबरदस्त फिट आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें इसका हील काउंटर, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि हील काउंटर पे पूरा का पूरा ये स्टड, पूरा का पूरा एक फुटबॉल बूट टिका होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी उसके हील काउंटर पर डिपेंड करती है। तो अगर हम देखें तो हाँ, उतना रिजिड नहीं है, बट एक नॉर्मल हील काउंटर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ इसमें अंदर की तरफ अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ और जूम करके अंदर की तरफ देखें, तो बहुत ही जबरदस्त पैडिंग दी गई है, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे आपको अंदर की तरफ पैडिंग दी गई है। जब मैंने इसे पहना, जो कंफर्ट मिल रहा है वो जबरदस्त मिल रहा है, बिकॉज जो पैडिंग है ना वो और एक्स्ट्रा पैडिंग दी गई है यहाँ पे आपको पीछे की तरफ, हील काउंटर की तरफ पूरा ये मोल्डेड यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है पूरी अच्छी तरीके से पैडिंग करके दी गई है। और अगर आपका सवाल है कि शू बाइटिंग होगी या नहीं होगी, तो शू बाइटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जो जबरदस्त पैडिंग दी गई है, एकदम जबरदस्त कंफर्ट आपको मिलेगा जब आप इस शू को पहनोगे, खेलोगे, और मजा आ जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज जबरदस्त पैडिंग, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कमाल की पैडिंग दी गई है, चाहे वो शस्त्रा की पैडिंग हो, चाहे वो कार्बोनाइट की पैडिंग हो, या और किसी भी फुटबॉल शू की पैडिंग हो, इसकी पैडिंग ज्यादा बेहतर लगी। बिकॉज पहनते ही जो कंफर्ट मिला वो जबरदस्त था। बात कर लें इसके इनसोल की, तो यहाँ पे इसके इनसोल में आपको दिया गया है एक सोक लाइनर, स्पोर्टो फुटफॉर्म परफॉर्मेंस सोक लाइनर यहाँ पे आपको दिया गया है, और जो कि आपको प्रोवाइड करेगा एक जबरदस्त कंफर्ट, आपको प्रोवाइड करेगा एक जबरदस्त ग्रिप, और साथ साथ में एक जबरदस्त कुशनिंग जब आप इसको पहनोगे। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं पे हमको एक जबरदस्त कुशनिंग और जबरदस्त पैडिंग दी गई है, नीचे भी एक जबरदस्त आपको सोक लाइनर प्रोवाइड किया गया। सोक लाइनर के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सोक लाइनर यूज होता है आपको एक अच्छी ग्रिप देने के लिए बूट के साथ, और एक अच्छी कुशनिंग देने के लिए नीचे की तरफ इनसोल में यहां पे सोकलाइनर यूज होता है इस वजह से। तो एक जबरदस्त अच्छा सोकलाइनर, सोकलाइनर्स की भी एक अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, तो अच्छा सोकलाइनर यूज हुआ है या नॉर्मल सा सोकलाइनर, जैसे कि हमने देखा था निविया कार्बोनाइट 6.0 में नॉर्मल सा सोकलाइनर यहां पे दिया गया था, लेकिन यहां पे एक जबरदस्त सोकलाइनर यहां पे आपको प्रोवाइड किया गया, एक अच्छी क्वालिटी का सोकलाइनर आपको प्रोवाइड किया गया, जिससे कि ये जो पूरा फुटबॉल शू है वो कंफर्टेबल तो है ही, और ज्यादा कंफर्टेबल आपको महसूस कराए। तो अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें लिखा हुआ था रिमूवेबल है ये सोकलाइनर, तो अगर आपने वो पढ़ा और अगर आप गलती से घर पे इसका जो सोकलाइनर है उसे निकालें, रिमूव करें, तो वो गलत हो जाएगा, मत निकालना, ये मैं आपको सलाह दूंगा। देखो मैंने तो निकाल के देख लिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूं इसे निकाल के, तो ये मैं तो निकाल के आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये सोकलाइनर आपको प्रोवाइड किया गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको पास से दिखाता हूं, यहां पे थोड़ी सी पेस्टिंग थी, जब मैंने इसे निकाला तो वो पेस्टिंग हट गई, पीछे तो कुछ नहीं है लेकिन आगे की तरफ पेस्टिंग थी, तो जो पेस्टिंग है उसे लगा रहने दो, आपको निकाल के क्या करना है इसका, है ना, तो उसे लगा रहने दो। बाद में क्या है कि इसमें घुसाने के बाद कुछ दिन आप यूज करोगे, 7 महीने 8 महीने बाद ये थोड़ा सा आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे अच्छा जब तक पेस्टिंग है उसे पेस्टिंग में लगे रहने दो। रिमूव करके आपको क्या देखना है, तो रिमूवेबल लिखा जरूर है, आप रिमूव मत करना, जैसा लगा हुआ है वैसे का वैसे ही छोड़ देना। मैंने तो निकाल के देख लिया था, इस वजह से मेरा पहले से निकला हुआ है, और ये मैं आपको बता रहा हूं, यही फायदा रिव्यू देखने का। अगर यहां पे फायदा ना मिले तो फिर रिव्यू देखने का कोई फायदा नहीं है, हम पहले ही आपको बहुत चीजें समझा देते हैं जिससे कि आप जब खरीदें तो आपको उसमें मदद हो जाए। तो यहां पे पेस्टिंग हुई है आगे से, तो इसे प्लीज रिमूव मत करना, दिव्या की बातों में मत आना, ये रिमूवेबल नहीं है, और रिमूवेबल है भी अगर तो आपको इसमें दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज आगे आने वाले जब कुछ टाइम हो जाएगा तो ये आगे पीछे होने लगता है, आप भी समझते होंगे इतने बूट्स अगर आपने यूज किए हैं तो वो आगे पीछे होने लगता है सोकलाइनर, दिक्कत आपके लिए बना देता है। तो इससे अच्छा है आप आराम से इसे ऐसे ही रहने दो जैसा है। कौन कौन से कलर्स इसके अवेलेबल हैं और कौन कौन से साइजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं इसके, कलर्स की बात करें तो दो कलर्स में ये आपको आ रहा है, सी ग्रीन और सियान ब्लू। हमारे पास इस वक्त सी ग्रीन है और सियान ब्लू में भी ये आपको मिल जाएगा, आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और हर साइज यहाँ पे अवेलेबल है, ऐसा कोई नहीं कि इस साइज का अभी अवेलेबल नहीं, हर साइज में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो भी आपका साइज है आप उसे खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगली बात कर लेते हैं कि कौन से पोजीशन के लिए और कौन से ग्राउंड के लिए आइडियल शूज होंगे। तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं इसका जो स्टड पैटर्न है वो बिल्कुल एग्रेसिव शू स्टड पैटर्न है, जो कि इसको स्पीड में प्रोवाइड करने में और एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में, ट्रैक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो बिल्कुल अगर आप एक अटैकर हैं, अगर आप एक मिडफील्डर हैं, और साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे डिफेंडर हैं जिसको स्पीड पसंद है, जिसको अपने गेम में स्पीड पसंद है, स्पीड में ही वो रहना चाहता है, वो ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टेबिलिटी में विश्वास नहीं रखता है, वो अगर क्विक मूवमेंट्स और स्पीड में विश्वास रखता है तो बिल्कुल उसके लिए भी इशू बना है। तो देखो गोलकीपर्स के लिए नहीं है, मैं सीधी सीधी बात कहूंगा, गोलकीपर्स को स्टेबिलिटी ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो डिफेंडर, मिडफील्डर, अटैकर्स, खासकर अटैकर्स यहाँ पे इसे प्रेफर करें, एकदम जबरदस्त स्टड पैटर्न आपके लिए यहाँ पे, सिर्फ आपके लिए ही ये बनाया गया है। बात कर लीजिए कौन से ग्राउंड्स में इसे यूज करें, तो भाई साहब बिल्कुल सीधी सीधी बात है, हार्ड एंड ग्रासी ग्राउंड्स के लिए आइडियल शू है, और अगर आप इसे आर्टिफिशियल टर्फ पे, आर्टिफिशियल ग्राउंड्स में यूज करोगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा, आपको इंजरी होगी ही होगी, मैं ये नहीं कहूंगा होने का चांस है, होगी ही होगी, बिकॉज उसका अपना एक रीजन होता है। ये जो ब्लेडेड शूज हैं ये ग्राउंड में जाके गड़ते हैं,
लेकिन जो ओरिजिनल ग्राउंड होता है वहां पे गड़ के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे मिट्टी होती है नीचे, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल टर्फ करें तो वो एक ही जगह, वो नकली घास होती है वो एक ही जगह टिकी होती है, तो वो यहाँ पे रुक जाता है पैर, और जब यहाँ रुक जाएगा तो आपको इंजरी होगी। तो आर्टिफिशियल टर्फ पे ये यूज करना हानिकारक है, बिल्कुल यूज ना करें। उनके लिए अलग शूज आते हैं, अलग बूट्स आते हैं। आर्टिफिशियल टर्फ के जो बूट्स हैं सिर्फ उनको ही यूज करें वहां पे। उन बूट्स को आप जरूर और ग्राउंड्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन हार्ड ग्राउंड्स, सॉफ्ट ग्राउंड्स, फॉर्म ग्राउंड्स के बूट्स को अगर आप आर्टिफिशियल भी यूज करोगे तो हानिकारक होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अगर ज्यादातर इंडिया में हम क्या देखते हैं, हार्ड और ग्रासी ग्राउंड्स ही होते हैं नॉर्मली, उनके लिए ये आइडियल शू है। अगली बात कर लेते हैं कि ये मैचेस के लिए आइडियल है या प्रैक्टिस के लिए आइडियल बूट है। देखिए सीधी सीधी सी बात है, ये आप सिर्फ मैचेस में ही यूज कीजिए, प्रैक्टिस के लिए यूज नहीं करना है आपको। बहुत ही सिंपल सी चीज है जो आपको समझनी है, आपको जो स्पीड दिखानी है, जो भी एग्रेसिवनेस दिखानी है, वो मैचेस में जाकर दिखाइए। जो प्रैक्टिस है उसमें आप जितना स्टेबल रह सकते हो उतना बढ़िया, बिकॉज इंजरी का एक चांस बन जाता है इनके साथ। आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर आपको कुछ करके दिखाना है, तो स्पीड के लिए आपको थोड़ा सा इंजरी का रिस्क लेना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे रहता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में ही इंजर्ड हो जाओगे, मैचेस तक पहुंचोगे नहीं, तो वो थोड़ी दिक्कत की बात है। तो कोशिश कीजिए कि एक सस्ता सा एक स्टेबल बूट आप प्रैक्टिस के लिए मंगा लो, और ये एक अच्छा सा स्पीडी बूट आप जो है मैचेस में यूज करो। तो कोशिश करो, जैसे कि निर्विया कार्बोनाइट 6.0 है, उतना महंगा भी नहीं है, 700-800 के आसपास का है, तो उसे आप प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। एकदम स्टेबल शू है, वहां पर इंजरी का आपको कोई खतरा रहेगा नहीं। ये शू आपके लिए बिल्कुल मैचेस के लिए बनाया, आप इसे प्रैक्टिस में ना यूज करो, वो हानिकारक होगा आपके लिए। बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो इसकी जो एमआरपी है, साइज 8 है इस वक्त मेरे पास, और इसकी जो एमआरपी है वो 2049 है, और लेकिन इस वक्त ये अमेजोन पे जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ उस वक्त ये 1837 में अवेलेबल है, 1837 में ये अवेलेबल है इस वक्त, और अभी आप जाके खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये प्राइसेस जो है वेरी कर सकते हैं साइजेस के हिसाब से और कलर्स के हिसाब से, तो वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वो आप देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से आप जाके खरीद सकते हो इस बूट को। ओवरऑल मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, समरी करने की जरूरत है नहीं। बस इस रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। धन्यवाद। I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something.